आदेश जय श्री महाकाल। शिव के श्री विश्वनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आसन, आज हम चर्चा करेंगे आसन पर। आज मैं यहाँ पर उस आसन की चर्चा करूँगी जिस पर एक साधक अथवा एक साधिका अपने साधना अथवा पूजा स्थल में बैठकर परमात्मा से जुड़ते हैं। जिस आसन पर बैठकर वो जाप करते हैं, अपने किसी भी अनुष्ठान को संपन्न करते हैं अथवा किसी भी तरीके का पूजन अर्चन करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परमात्मा से जुड़ने के अनेक माध्यम हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण माध्यम है आसन। ये कोई बताने का तथ्य नहीं है, क्योंकि माला हो, आसन हो या फिर अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई चीज जिसके विषय में शायद एक सामान्य साधक को भी ज्ञात है, लेकिन आज मेरी चर्चा का कारण कुछ और है। अभी कुछ समय पहले ही हमने एक छोटा सेमिनार रखा हुआ था गाजियाबाद में, और उस सेमिनार में हमने दो साधनाओं की व्यवस्था रखी थी। जब वहाँ पर साधनाएं संपन्न हुई, जब वहाँ पर साधना कराई जा रही थी, तब मैंने सिर्फ एक चीज़ नोटिस करी, वो ये कि अगर साधना के बीच में किसी भी साधक अथवा साधिका को उठना होता था तो वो ऐसे ही उठ जाते थे और वापस आकर के अपने आसन पर यूं ही बैठ जाते थे। बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उस वक्त चूंकि वक्त जो था वो साधना काल का था, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में ये बात हमने अपने उन साधकों को बताई, जो साधक हमें इच्छुक लगे इस विषय में जानने के लिए कि उन्होंने आखिर कुछ गलती तो नहीं की। तो मुझे लगता है कि वो जानकारी हमें आपको भी देनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, गलतियां सबसे हो जाती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं पूर्णतया सही हूँ, मेरे से कोई भी गलती नहीं होती। ऐसा कोई भी नहीं है, ना ही आप ना ही हम। लेकिन हम सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम अपनी गलतियों में निरंतर सुधार दे सकते हैं। अगर कहीं पर हमें लग रहा होता है कि हमसे कोई गलती हो रही है, तो उसे सुधार कर आगे बढ़ना ये हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, तब हमें वो परिणाम प्राप्त होने लगते हैं जो कि हमें वास्तव में प्राप्त होने चाहिए, अथवा जो उस गलती करने की वजह से हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगी कि ना सिर्फ ये उन साधकों की बात है, बल्कि बहुत सारे ऐसे साधकों की बात है जो लोग आसन को या फिर किसी भी माध्यम को, यहाँ तक कि माला को भी सम्मान नहीं देते। उन्हें ये लगता है कि साधना प्रारंभ हो गई, साधना संपन्न हो गई, माला रख दी और सब कुछ पूर्ण हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी चीज आपके किसी उद्देश्य की सफलता में माध्यम बनती है, आपका फर्ज बनता है उस माध्यम का सम्मान करना, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। तो आज मैं आपको एक सही तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको अपना आसन प्रयोग करना चाहिए, ताकि आप जो अपनी पूजा का, इष्ट कृपा प्राप्ति का केवल आधा फल प्राप्त कर रहे हैं, आपको उस कृपा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्वप्रथम जब आप अपना आसन निकाल कर अपना आसन ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले उस आसन को सलीके से बिछाकर उसे प्रणाम करिए और फिर उसके बाद में उस पर बैठिए। आपका जो भी पूजन
अर्चन, जो भी आपको करना है वो करिए। अगर आपको साधना करनी है, मंत्र जाप करने हैं तो वो करिए। अगर साधना के बीच में आपको लगता है कि आपको उठने की आवश्यकता पड़ रही है अथवा किसी कारणवश आपको साधना के मध्य में उठना पड़ता है, तो ऐसे ही ना उठ जाएं। एक कार्य करिए, जब भी ऐसी कोई आवश्यकता आन पड़ती है उस वक्त में आप उठें, अपने आसन को प्रणाम करें और उसे आधा समेट करके रख दें। आधा समेटने का अर्थ ये होता है कि आपके जाप अथवा आपकी पूजन या फिर अर्चना वो अभी बाकी है और आप लौट कर उसे पूर्ण करेंगे। और जब आप अपना कार्य निपटा करके वापस आ जाते हैं, आसन खोलिए, उसे पुनः प्रणाम करिए, फिर से बैठ करके अपनी अर्चना संपन्न करिए, अपने जाप संपन्न करिए और उसके बाद में जब आपको उठना हो, जब आपका संपूर्ण पूजन अर्चन समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसके बाद में आसन को प्रणाम करके उसे यथास्थान रख दें। वहीं पर ना छोड़ें जिस स्थान पर आपने पूजन अर्चन किया है, क्योंकि वो आसन एक माध्यम है, एक माध्यम है आपको परमात्मा से जोड़ने का। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से माला आपको परमात्मा से जोड़ती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपका भाव आपको परमात्मा से जोड़ता है, उसी तरीके से आसन भी आपको परमात्मा से जोड़ता है। क्योंकि नित्य आप उसी आसन पर बैठकर जाप करते हैं, नित्य उसी आसन पर बैठकर पूजन अर्चन करते हैं, अर्थात वो आसन एक माध्यम बन रहा है आपको परमात्मा से जोड़ने का। इसलिए उस आसन का सम्मान करना आपका फर्ज बनता है। आदेश, जय श्री महाकाल।